ये कौन है? प्रदीप। प्रदीप डरने का नहीं बिल्कुल, बस बस बेटा। अमर को चलाया, अमर की बछड़ियाँ अभी सब बछड़ियाँ अमर की, उसके बाद में अभी प्रदीप, ये जो छोटे बच्चे हैं वो सब इसके, इसी के। गाय या हर कोई पशु, गौवंश बफे भैंस और कमज़ोर जमीन, कमज़ोर मतलब फलद्रुप जमीन नहीं है, उसमें जो फसल निकलती है ना तो वो बहुत बढ़िया लगती है। और आपको मैं सीधा सा ही बता दूं कि जो डोंकी का बच्चा पैदा होता है ना, क्या बोलते हैं गधा, बोलते क्या बोलते मेरे को, गधा ही, हाँ, तो उसका बच्चा जब छोटा होता है ना तो इतना सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है ना। तो इस तरह गाय को भैंस को या आपको खेती की जमीन खरीदने की है तो उसमें जब फसल लगी है तब डिसीजन मत लो। ये भाई ने मेरे को गाय बताई, उसने बच्चा दिया है एक दो दिन पहले या तो आज कल में दिया है, तो आज उसका जो ये ऑर्डर है ना वो इतना मतलब दिखेगा आपको कि ये बढ़िया नस्ल है, लेकिन ये 15 दिन के बाद में आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी ताकत है। तो एक तो गाय भैंस या कोई भी चीज़ एंड टाइम पे खरीदनी मेरे हिसाब से गलत है। गाय बढ़िया है, इसमें अच्छा नंदी से संवर्धन करोगे तो इसका बच्चा भी बढ़िया होगा, ये आपके घर में दूध देगी वो तो आप जज कर लोगे मार्क रिकॉर्डिंग करके, देखने में कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं जब भी गाय लेता हूँ तो एंड टाइम पे नहीं लेता हूँ। जी आप क्या करते हैं अपने हिसाब से करते हैं, मार्केट है, नॉलेज है, सब करीब में है, और आप जैसे जो लोग शौक से आके लेके जाते हैं ना, मैं तो वैसे नहीं लेके जा सकता, वो 5-10 ले सकता हूँ जी। हाँ, मेरे को फार्म बड़ा करना है साउथ इंडिया में और दुनिया के लिए ध्यान में रखकर करना है, मेरे को बिल्कुल करना चाहिए। दुनिया को ध्यान में रखेंगे तो दुनिया को ध्यान में रखकर बनेगा। ये गाय मैं लूँगा आपके हिसाब से, ये गाय बढ़िया है, कितना दूध देगा आज की डेट में? आज की डेट में इसका दूध आपको मैं बताऊंगा ना तो 8-8.5 किलो दूध पर टैंक का ये दे सकती है, ऐसा इसका अडर दिखाई देता है। लेकिन हाँ। ये एक हफ्ते के बाद में हाँ। जब इसका हम दूध निकालना चालू करेंगे हाँ। इसका डिस्चार्ज गिरेगा। आपने बफेलो रखा है तो आपको पता है कि हाँ। बच्चा देने के बाद में 15-20 दिन के बाद गाय और भैंस दूध में आती है, तो वो टाइम में वो कितना रिकवर करती है मैं समझ के चलता हूँ। सर बच्चे को पिलाने के बाद एक थन बच्चे को पिलाने के बाद 5 किलो पकड़ के चल बिल्कुल देंगे। और मैं भी कहता हूँ सबको कि 8 किलो 15 किलो नहीं नहीं, इतने में इकोनॉमिक्स ढूंढूंगा इसको हाँ। इतने में ही इकोनॉमिक्स ढूंढूंगा बिल्कुल सही हाँ? बात है। 5 किलो ये 5 किलो दूध ये तो इसका बच्चे जो कैसे आप आगे नेक्स्ट जनरेशन जो होगा गाबन उसको संवर्धन में सुधार कैसे करें? वो जीनेटिकली जिसके पास रिकॉर्ड है बूढ़ों का, जैसे कि मैं रिकॉर्ड मतलब मैंने कोई ठीक है उसका टेस्ट नहीं करवाया ठीक है, आपके पास भेजा है, आपके पास जो उनका भरत भाई सीमेंट भेजा है हैदराबाद पुणे नहीं और सर भोपाल। मेरा कहना ये है सर आपसे, ये आपके पास स्ट्रॉ प्रदीप का मिलेंगे? मिलेंगे। क्या रेट में मिलेंगे सर? 1100 रुपया। और इसमें क्या सेक्स सॉर्टेड है या स्लॉटेड? नहीं है। ठीक है 1100 रुपया, ठीक है 1100 रुपया। और ये गाय को अगली बार मैंने सर्विस कराने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है आपके हिसाब से, आप बताइए। मैं नहीं समझा। अगले नस्ल में प्रदीप का बच्चा, प्रदीप का बच्चा आएगा बच्चा तो या इसकी जो कैपेसिटी होगी ना उससे 1.5 गुना बनेगा। ये 6 किलो देती है तो प्रदीप से जो बच्चा बनेगा ना वो 7.5-8 किलो तक तो पहले लैक्टेशन में जाएगा। पहले लैक्टेशन में, दूसरे लैक्टेशन में? दूसरे लैक्टेशन में 15-20% दूध बढ़ता है, बस बढ़ता है। और उस बच्चे को जो अभी पहला जनरेशन में प्रदीप की बच्ची जो है उसको वो बड़ी होने के बाद मैं दूसरे और जो आप रेकमेंड करेंगे उस जमाने के हिसाब से वो लेकर करूंगा तो कहाँ पहुँचेगा रिकॉर्ड? जैसे कि वो बुल का रिकॉर्ड उसने आप ही दे रहे सर, जब तक मेरे लिए आगे ढूंढ रहे प्रदीप को छोड़ के प्रदीप से बेहतर तो नहीं क्या? प्रदीप से बेहतर मेरे पास बछड़ा तैयार हो रहा है। हाँ वही बता रहा हूँ, और उसका मैं तब बताऊंगा जब उसकी बछड़ी दूध में आएगी तब। ठीक है सर, जब तक तो टाइम लगेगा, लेकिन आपके एक अंदाजा है? अंदाजा है कि इसमें आप इसकी बछड़ी में अमर का सीमेंट भी रख सकते हो, पूनम का सीमेंट भी रख सकते हो, पूनम में दूध बढ़िया आएगा।
पहले लैक्टेशन में मैं चैलेंज देता हूँ कि 10 प्लस आएगा, लेकिन उसकी लाइफ टाइम कोई गारंटी नहीं है। वो तीसरे चौथे लैक्टेशन में वो गाय जाफराबादी भैंस की तरफ लूज हो जाएगी। किसकी? सीमेंट के साथ, पूनम के सीमेंट। अच्छा, नहीं नहीं, प्रदीप की बात करेंगे हम। प्रदीप में तो कोई आपको देखने, प्रदीप में लेंगे ना, प्रदीप में कोई चीज देख, फर्स्ट राउंड पूरे जितने लेंगे प्रदीप में लेंगे, कई लोग पूरा पूरा हेड प्रदीप लेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ सबके सामने कि सीमेंट का जो रेशियो है ना रिजल्ट, वो 35 से 40 तक है। आप 100 सीमेंट लेके जाओगे तो हो सकता है कि 80 गाय भी कंसीव हो जाए और 30 भी होगी, क्योंकि उस सर वो एक्सपर्टी मेरे पास है। हाँ, मेरे पास टेक्निकल टीम है। प्रदीप की मैं तारीफ करता हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका सीमेंट सेल करने नहीं, नहीं उधर देखिए, क्योंकि उसका रिजल्ट ही इतना है। नहीं सर, वो क्या है ना, वो हमारा और आपका काम नहीं है। वो रिजल्ट देना है दूसरे के काम है, कुदरत नहीं है वो। हाँ, डॉक्टर का काम है, जिसका तजुर्बा काम है, जिसका तजुर्बा है उसका। प्रॉपर जगह पे सीमेंट जाए, प्रॉपर नहीं, प्रॉपर मेंटेन करे, सीमेंट होना चाहिए, करे, मोर्टालिटी भी होनी चाहिए। नहीं नहीं, इसके ऊपर बहुत काम किया मैंने, इसके ऊपर मेरे डेयरी में बहुत काम किया मैंने। तजुर्बा तब जाके काम आएगा जब प्रॉपर चीज परफेक्ट। नहीं सर, इसमें देखिए, आर्टिफिशियल मुझे 50 तो रिजल्ट दे लेता, अच्छी बात है। 50 तो किसी भी, 50 के नीचे लेता नहीं, गौरव लेने जैसी बात है। 50 तो पहले दिन से ही लूंगा मैंने, मेरे पास उतने एक्सपर्ट डॉक्टर है, उसके लिए एक्सक्लूसिव रखूंगा और उसको हर कंज्यूम करने के लिए, रिकॉर्ड देने के लिए 2000 रुपये चार्ज देता हूँ। वो एक बार करे, दो बार करे, पता नहीं, टेस्ट देने के बाद वो फालतू गए, सो गए हाथ में, रिजल्ट दिया तो 2000 रुपये उसका चार्ज है। तो उतने एक्सपर्टी है आदमी मेरे पास। जैसे हमने स्ट्रॉ के लिए कोशिश करते, स्ट्रॉ को भी मैं 2000 पकड़ लूँगा। आप मेरे को एक गाय ऐसे गाय, इससे कम ज़्यादा 19-20 का गाय पूरा मैं खरीद लूँगा, मैं अपने हिसाब से खरीद लूँगा, मैं अपनी कंडीशन में खरीद लूँगा उसको। मैं यहाँ आके नहीं खरीदूँगा, मेरे पास आके बच्चे देके दूध देके इतने दिन के बाद इतना दूध का, एक टन दूध देने के बाद 5 किलो दूध नाप के देना, वो हफ्ते दिन उसके बाद उसका पैसा बात कर लेता हूँ। 10,000 रुपये पहले ही ज़्यादा देता हूँ मैं उसको, लेकिन ये कंडीशन में पूरे गाय पास होना, ऐसे गाय लाना मैं, दूसरी और तीसरी बैच की लाना है उसको। मैं तो कहता हूँ फर्स्ट लैक्टेशन की ही देखेंगे उसको। हाँ, उसको भी पाँच लीटर तो चार लीटर दो बोलेंगे, चार किलो बोलेंगे उसको। फर्स्ट लैक्टेशन में भी तो 5 किलो तो आराम से देंगे वक्त का। हाँ, मतलब बच्चे को पिलाने के बाद 6-7 किलो तो दूध देगी ना गाय, गिर होगी। अभी जो कम ज़्यादा जो आपने गाय दिखाऊंगा मैंने आपको, वैसे ही गाय खरीदा मेरे को, मेरे जगह पर बैठ के खरीदना, मैं उसमें सपोर्ट नहीं करता, मेहनत नहीं वहाँ करता हूँ, यहाँ नहीं करता मैं, वहाँ मेहनत ये करता हूँ। पहला राउंड में प्रदीप को लेके जा रहा हूँ, बिल्कुल पहले एक साल पूरा प्रदीप, प्रदीप बच्चा हो बच्ची, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट ईयर पूरा कैलेंडर ईयर के हिसाब से जनवरी 1 को ये चालू किया तो दिसंबर तक खाली यही यूज़ करना मेरे को हर जगह, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरे साल में यही दूसरा आता है तो दूसरे को बुल के ले जाना उसको, दूसरे साल जब इसके बच्चे जब आएंगे तब मैंने उसको चेंज करा, तभी तो पता चलेगा, तब उसको करेंगे। फिर उसके जब 3 साल लगेगा फिर उसको दूसरा बच्चा आने के लिए, एक 3 साल पहले लग गया, बाद में 3 साल लग गया, और 7वें साल में जो बच्चा पैदा होगा हमारे पास, एक से प्रदीप के बाद, प्रदीप से भी बेटर, उससे बेटर हो गए तो मेरे हर्ड में जितने भी बच्चे पैदा हो जाएंगे मैं कहाँ पर रह सकता हूँ। आप एक बात को ध्यान में रख के चलिए, आप जो गाय को सेवा कर रहे हैं इससे 1% हर मामले में मैं ज़्यादा करूँगा। अच्छी बात, मैं ये चैलेंज 30 साल पहले एडीडी को दिया था, वो लोग आके इंस्पेक्शन करे मेरे को, उस पर वो भी सर्टिफाई करे, आज आपका भी देखा मैंने, इससे कहीं कम नहीं करूँगा मैं। बिल्कुल अच्छी बात है, सेवा तो जरूरी है, 1% ज़्यादा करूँगा मैं, इससे कम नहीं, क्योंकि नस्ल कितनी भी बढ़िया हो लेकिन उसके शरीर में तो कुछ होना चाहिए। नहीं नहीं, मतलब जो भी उसका फैसिलिटी है, फूड है, माहौल जो खड़ा करना है, हाँ, वो सब मैं करूँगा उसमें। मतलब गुजरात से बाहर गए बोले तो घबराना नहीं गाय, जो आप माल इधर खाना देते ना वही खाना दूंगा, बेहतर दूंगा और माहौल और बढ़िया बनाऊंगा। इसके लिए आपको मेरे साथ एक 10 किलोमीटर आना पड़ेगा, नंगे पैर या कैसे? चप्पल पहन के जाएंगे, गाड़ी लेके जाएंगे। नहीं नहीं, 10 किलोमीटर चलना कौन सी पड़ेगा, नंगे पैर भी चलने को तैयार हूँ मेरे, आप आगे लेके जा रहे। हर आदमी को जो आज आपने बात बताई ना, मेरे को इतनी खुशी हुई कि आदमी गलती करता है भूल से, और वो गलती का पता चलता है 3 साल के बाद, 4 साल के बाद,
जैसे कि आज मैंने बता दिया कि प्रदीप बहुत बढ़िया है और आपने मान लिया, नहीं एक सारी बात, एक मिनट, आपने मान लिया और 100 टीका आप मेरे से ले गया तो प्रदीप ले गया मेरी बात को मान के, और आपने 3 साल तक प्रदीप का सर्विस लिया 100 गाय में, कितनी बछड़ी बनी साठ के हिसाब से चलो तो 1 साल में 50-150 बछड़ी होगी 3 साल में, फिर पहले साल की बछड़ी ने 3रे साल बच्चा दिया, तब आपको पता चलेगा कि आपने जो काम किया वो गलत था कि सही था और कितना लेट हो जाते हैं। सर सर सुनिए, अभी आपको जिंदगी के आखिर में कोई गलती नहीं, नहीं, मैं, नहीं। एक सेकंड सर, मेरे को ये नहीं दीजिए, समझने में आप वो कर रहे हैं, तो भूल में गलती नहीं करने का, जो भी पशुपालक भूल में गलती आप नहीं करते तो मैं कैसे करूंगा। मैं चालू करना चाहता हूँ इसको, इस तरह से चालू करना चाहता, मेंटेनेंस क्या करना मालूम हो गया मेरे को, बिल्कुल आसान है, करना है कर सकता हूँ ठीक है, और ये गाय लेके जा रहा हूँ वो प्रदीप से वो अंडरग्राउंड खत्म कर देते हैं, दूसरी बात जो आपके तैयार हो वो आपके हिसाब से कर देते हैं, बिल्कुल जब आपको भी एक हिम्मत होगा ना, जिसके पास 500 बछड़ी प्रदीप हो गए तो आपको भी खुशी होता है। अरे खुशी क्या, खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, वही वही बताता हूँ, मुझे मालूम है किसको खुशी से किससे काम कैसे लेना, मैं जानता हूँ, मेरे को भी 60 के ऊपर हो गया ना उम्र, कितने साल हो गए मेरे को 60 के ऊपर, 51 साल हो गए मैं अपने हिसाब से रोजी रोटी करते खाते हुए, और 9 साल के बच्चे घर से बाहर हुआ है, किसी से कुछ नहीं लिया हुआ है, बाहर आके काफ़ी कुछ बनाया मैंने, आपके हिसाब से अगर मैं सही ढंग से एक थन दूध ही दूंगा मैंने और बाकी 2 पीढ़ी से ये दूंगा, हाँ वो 2 साल के बाद बेचने के लिए तैयार हो जाता है, मैं उस प्रदीप को 2 साल के बाद सही ढंग से देखभाल करने के बाद और भी आपसे लिखवा लेके जाऊँगा भाई इसको कब कब क्या क्या खिलाना है, उतना मैं देखभाल करूँगा, और उसी दिन बताना चाहिए आप मेरे को 2 साल में प्रदीप की इतने वजन के और इतने लंबे ऐसे चाहिए बोले तो आप लिख के ले लेते हैं उस तरह बना के देता हूँ मैं आपको ठीक है, क्योंकि मैं ये चीज़ें चितले के पास देखा हूँ, चितले के डेयरी मालूम है आपको, नहीं मालूम, मैं जानता नहीं हूँ, महाराष्ट्र में चितले की फार्म करके सांगली डिस्ट्रिक्ट में 1949 में शुरू करे हुए ठीक है, उसका 4th जनरेशन अभी काम कर और उसका 20 लाख लीटर दूध पूरा मार्केट में मिलता है, कितना 20 लाख, उसका 100 बफलों का फार्म रखे हैं, उसमें सभी चीज़ें ट्राई करते हो, नए चीज़ें पूरे अडप्ट करते दिखाने के लिए खाली 100, और बाकी सब जो है किसानों को भैंसे दिलाते हैं लोन दिलाते हैं और पूरे पूरे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए एक कॉलेज खोल कर बच्चों को तैयार करें, सब किट दे देते हैं तो पूरे जाके ये लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पूरा जहाँ से दूध कलेक्ट करता हूँ, दूध कलेक्शन प्रोसेसिंग वहाँ पर होता, 20 लाख लीटर दूध बॉम्बे को आता है, उनके पास मैंने देखा अर्जुन नाम उसका, 1 साल में जितने अर्जुन मतलब बफेलो बफेलो हाँ वो उस साल मैं 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 10 नहीं 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आप उस साल के जाके वो बचत देखिए सब के सब वो कंप्यूटर में पैदा करे जैसे बच्चे, एम्ब्रियो का होगा, नहीं एम्ब्रियो तो था ही नहीं पहले, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अच्छा तो सब बच्चे एक सेल पर देखने को भी आपको उतना खुश होगा कि एक सेल पे निकलेगा, तो इस साल से हमको भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में फर्स्ट जाना है एम्ब्रियो के ऊपर, सेकेंड स्टेज में देखेंगे पहले इसको देखें, फिर इसको सेकेंड लेग टेस्ट में जो आज मैं गाय लेके जा रहा हूँ इसको तो कुछ ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर सकता मैं, 2 लैक्टेशन के लिए मैं रखूँगा, मेरे पास ही ये प्रदीप की बच्ची जो आएंगे तब उसको दूध पे लगने के बाद इसको किसानों में उधर दे दूँगा मैंने, जो भी उधर चाहते तो उधर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, मेरे को भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के पूरे उधर पूरा तालुके का गांव में 5 गांव से 1 लड़के को रखकर एआई का प्रोग्राम चालू करना है, वो जो भी गाय है ले जाके ये सर्विस करा देना, फ्री में करना है सर, बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छी बात है, फ्री में करना आपकी सोच को मैं फ्री में करना बहुत स्वीकार भी करता हूँ और आपको धन्यवाद भी देता हूँ, ऐसा करना चाहिए, ये कमिटमेंट है 100 गांव के लिए 20 बच्चों को मैं करके देके रखूँगा और उनको फ्री करूँगा, तब है ना कुछ ना कुछ रिजल्ट मिले, हाँ मेरे डेयरी खड़ा करने के बाद फ्री सर्विस करूँगा, रिजल्ट ऐसा आएगा, ये टारगेट है,
उसको जो करना है भगवान की इच्छा भी दिया है। पशुपालक अगर भारत में 15-20 भी निकल जाए तो एक बार जो ब्राजील का नाम है उसको हम निकाल सकते हैं।